तो पहले एडवांस बेस्ट विशेष फ्री के लिए अब बात करते हैं मेंस की तो मेंस की क्योंकि जो भी ये प्रोग्राम चलाएंगे हम आपकी नीड को कैटर करने के लिए आपकी ज़रूरत को पूरा करने तो पहले एक बार थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि जो एस और बैंक के बच्चे होते हैं अठारह बीस साल के होते हैं आप लोग मेच्योर लोग आपकी भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन मेच्योरिटी तो है ना वैचारिक लेवल पे आपने आपकी स्टडी वैसी हुई है आप जा रहे हो अधिकारी बनने, कुछ महीनों बाद तो वैचारिक रूप से निश्चित रूप से आप लोग मैच्योर हो पहले आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ मैं क्योंकि हमारे पास तो क्या है जैसा ऑर्डर होगा वैसा प्रोडक्ट बना देंगे और हमें मालूम है कि आपको क्या करवाना है लेकिन आपसे एक बार डिस्कशन करना जरूरी होता है आगे आ जाओ बच्चों आगे बैठ जाओ यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा विजन है मैं उसको बताऊंगा फिर उसमें जो है हम क्या करेंगे मॉडिफिकेशन करेंगे तो पहले जो है आपको ये इसमें लिखा है वी आई पी एम आर एस तो आपका जो है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पहला टाइम बाउंड पूछते हैं टाइम ड्यूरेशन पूछते हैं कि आप कितने महीने मेरे को देना चाहते हो पहले तो ये बता दो टाइम से रिलेटेड डिस्कशन आप क्योंकि आप जितना टाइम दोगे उसके अनुसार हमारा प्लानिंग होता है चलिए कितने महीने तीन महीने ना वही हम भी मान के चल रहे हैं थ्री मंथ्स एक आइडियल टाइम है हालांकि इलेक्शन ईयर है हो सकता है कि परीक्षा आगे टले इसलिए कि दूसरी गवर्नमेंट अगर आती है तो फिर कोई भी या नई भी गवर्नमेंट अगर आती है तो फिर उनका ध्यान रहेगा लोकसभा चुनाव पे लोकसभा चुनाव पे रहेगा तो हो सकता है दो तो तीन महीने आगे और भी कर दे तो मैं तो चाहता हूँ कि दो महीने और टले इसलिए टले कि मेंस का जो पेपर होता है ना उसके लिए टाइम हो चाहिए लिखने के लिए चाहे वो इंग्लिश का फोर्थ पेपर में इंग्लिश हिंदी हो या दूसरे विषय हो टाइम चाहिए होता है लिखने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए तो अगर टाइम मिल जाए दो महीने और तो ठीक है लेकिन हमें आइडियल थ्री मंथ्स लेके चलना है क्योंकि बाद में फिर बच्चे जो है ना मान लो तीन महीने बाद जो है अगर डेट वगैरह आती है मान लो चार आज से चार महीने बाद की डेट है तो फिर क्या होगा आखिरी के महीनों में एक डेढ़ महीने फिर बच्चे और चीजें पढ़ने लगते हैं और फिर टेस्ट सीरीज वगैरह फिर टाइम नहीं रहता तो आइडियल मंथ्स है अब इसमें डेली कितने घंटे दे सकते हो कितना टाइम दे सकते हो वेरी गुड वेरी गुड दो घंटे तो दे सकते हो ना आइडियल एवरेज दो घंटे चाहिए इसलिए मैं बता रहा क्योंकि आवर मैं क्या करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट ऐसे रहे कि ये ट्रांसलेशन में चेंज हो और डिस्क्रिप्टिव में जाने लायक कॉन्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिप्टिव और ट्रांसलेशन यानी लेटर लिखना एस एल लिखना है और साथ में उस थॉट को ट्रांसलेट भी करना है असली चीज है अपने अंदर के विचार को अगर हम ट्रांसलेट करने लगेंगे यानी उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे तो वो जो है लेटर लिखने में थीम को एलेबोरेट करने में और जो उसका जो क्या बोलते प्रेसी लिखने में या पैसेज का आंसर आर्टिकुलेट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी और ट्रांसलेशन भी कर तो पहले हमारा जो है आ, फोकस ये रहेगा कि ग्रामर का वो एक दो देखो जो आर एस का जो ग्रामर क्या बेकूफ़ी क्या होती है जिसे बोलते हैं आर एस का ग्रामर वो आर एस का ग्रामर जो सिलेबस है आर्टिकल पढ़ लिया टेंस पढ़ लिया पढ़ लिया, एक्टिव डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पढ़ लिया ये तो बच्चों की तरह हाई स्कूल वाला सिलेबस है लेकिन वह ग्रामर वह कॉन्सेप्ट जिससे आपका सेंटेंस फ्रेम होने लगे और उस फ्रेमिंग को सही ढंग से आप एक्सप्रेस करने लगे उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए दो घंटे चाहिए ये मैं कह रहा हूँ तो प्लीज जो ये आर एस ग्रामर का जो आपके दिमाग में भरा हुआ है वो चीज़ आर्टिकल वाली एक्टिव डायरेक्ट डायरेक्टर तो लिख लिख के होगा लेकिन आर्टिकल तो क्या होता है एरर के रूप में आएगा बस टेंस है मॉडल है एरर के रूप में डिटर्मिनर है एरर तो ज़्यादा फोकस जो है ना जो सिलेबस में वो लोग उसी क्रम में भी देते हैं पहले आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं ऐसा ही होता ही है संजो ऐसा है। पहले आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा फिर इसका आएगा फिर उसका आएगा, आएगा ऐसे करके तो हमारे पास वो भी है कि वो दस या बारह क्वेश्चन जो होंगे प्योरली वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए अब उसमें सेनानी क्या है कि इसमें वॉकअप भी तो है ना वॉकअप भी तो है उसको भी बिल्ड करवाना है और साथ में आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करवानी है और तो लिखने का जो ये जो क्लास है इसमें आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं और साथ में एक घंटे और एक्स्ट्रा टाइम भी आपको देना होगा तो इसमें जो राइटिंग प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस दोनों चलती रहेगी ठीक है ना ऐसे होगा तो अब हम ज्यादा डिस्कशन ना करके ये जो बता दो ग्रामर ट्रांसलेशन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और प्लस टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज का क्या क्या डे रहेगा कैसे होगा जरा टेस्ट सीरीज के शिवानी मैडम आइए और टेरिस टेस्ट सीरीज के बारे में जरा बता दो कि क्या क्या शेड्यूल है टाइम टेबल अपने को क्या है कई क्लासेज होती हैं तो सही समय गलत सही बता दूंगा डेट वगैरह टाइमिंग वगैरह तो ये पूरा बता दें टेस्ट सीरीज आप लोगों की एवरी संडे होती है जैसे 15 से स्टार्ट हो गया है शेड्यूल तो उसका शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा पहले ही जिसमें 15 सेक्शनल पेपर्स हैं और 10 आपके फुल लेंथ पेपर्स हैं तो जो सेक्शनल पेपर्स रहेंगे उनका शेड्यूल भी पहले से ही प्री डिसाइडेड रहेगा कि एक उसमें ग्रामर का टॉपिक हो और एक डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक हो ताकि दोनों पैरल चले और इसके अलावा जो लास्ट के टेन पेपर्स रहेंगे वो फुल लेंथ पेपर रहेंगे जैसा एग्जाम में आपके आता है तो उससे आपको अपना उसका भी पता चल जाएगा कि फुल लेंथ पेपर आप टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो एवरी संडे टेस्ट सीरीज अपनी रहेगी अगर एग्जाम की डेट आगे पीछे होती है तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग शेड्यूल को चेंज करके वेडनेस डे को भी टेस्ट सीरीज को कर लेंगे लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे एवरी संडे आप लोगों की टेस्ट सीरीज रहती है टाइमिंग आपका रहता है सुबह आठ से दस दो टाइम रख रखे क्योंकि आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग आ सको सबसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल आप ही का ही है सुबह आठ से दस आ सकते हो या शाम को चार से संडे को सुबह आठ से दस या शाम को चार से तो ये दो रहते हैं। अच्छा जो ये आज मैंने तीन बजे बुलाया है क्या मैं एक सजेशन मांग रहा हूँ कि क्या अगर इसको मैं छह से सात करू और पाँच से छ से सात तो ठीक रहेगा शाम को यही टाइम ठीक है हाँ? और शाम वाला नहीं सही है तो तुम गर्ल थोड़े नहीं हो लेट हो जाए, तो लेट हो जाए मैं डिस्कशन कर रहा हूं जैसे पांच से छ छ से सात ऐसे हो जाए तो क्या होगा कि तीन से चार में पाँच से छः छः से सात आ जाए तो कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है दस पाँच मिनट इधर उधर तो हमारे पर टेंशन नहीं रहता है अभी क्या है लेट होगा तो ये होगा अगले बैच वाले बच्चे वेट कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ और कोई बात नहीं दूसरी बात है कुछ बच्चे दोपहर को नहीं भी आ पाते हैं शाम को जनरली सारे बच्चे वो जो छः का सात का समय ना वो गो धूली बेला होता है आप तो हिंदी भी पढ़ते हो ना तो गो धूली बेला हो उस समय गायें जो है चर के अपने घर की ओर आती हैं तो उस समय क्या होता है कि कोई पढ़ता उड़ता नहीं है तो वो टाइम आपका व्हाट्सअप में जाता है मतलब ऑनलाइन में जाता है ऑनलाइन में जाता है इसलिए वो टाइम रखवाया है कि वो ऑनलाइन वाला टाइम जो है छः से सात जो पढ़ता नहीं है बच्चा वो टाइम यहाँ यूटिलाइज हो जाए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ शाम को अगर आ जाओगे तो ठीक रहेगा दस पाँच मिनट कभी कभी, कभी लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हालांकि जब सर्दी आएगी तो थोड़ा टाइम को और पुश कर देंगे ऊपर जब बहुत सर्दी आ जाएगी अरे इतना क्यों वो मूड खराब कर रही हो प्री कैसा हुआ है और तुम्हारा सौरभ सही हुआ है ठीक है कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है क्योंकि सब बच्चे यही बता रहे हैं कि पिछली बार इतनी ही जा रही है क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक वगैरह लगता था पेपर आसान है तो पहले दिन का परसेप्शन था कि नब्बे पंचानबे जाएगी लेकिन जब उसी दिन शाम को तो बहुत गलतियां हो गई ऐसा सुनने में आया है बच्चों का तो क्या लग रहा है पिछले इतना ही जाएगी या इतना ही ज्यादा जाएगी वही जाएगी दो तीन नंबर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो बढ़ जाए वही होगा ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो सभी सेफ हो ना बहुत अच्छा आप भी सेफ हो बहुत अच्छा बेस्ट विशेष चलो तो अब स्टार्ट करते हैं आ, कल भी तीन से चार ही बुलाएं ना कहाँ हैं ससान जी को बुलाया जाए मैनेजमेंट से भी पूछना होता है ना उसके हिसाब से क्लासरूम वगैरह तैयार करते हैं कल कल भी तीन से चार ही बुलाएं क्योंकि क्या है कि कुछ बच्चों को पहले बुलाए तीन से चार जो आज नहीं आए तो वो तीन से चार ही आएंगे कल तो फिर परसों से कर दें परसों से शाम को रहेगा पाँच से छः छः से सात दो घंटे अब दे। देखो बच्चों छोड़ो अब सब आओ सीधे पढ़ते हैं एक ट्रांसलेशन दे, दे रहा हूं उसी से डिस्कशन चालू करते हैं ठीक है क्योंकि बेसिक तो ग्रामर आपने पढ़ा हुआ है कुछ मेरे से पढ़े हैं, कहीं कुछ तो और जगह भी पढ़े तो उतना तो पढ़े हो एक सेंटेंस दू ना चलो चंद्रयान चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री की सफलता चंद्रयान थ्री की सफलता ने सफलता ने हम हमें गौरवान्वित गौरव वाह मित गौरवान्वित किया है अब इसको ट्रांसलेट कर दो चलो मैं एक बार विजिट करके देखूंगा क्या है पहले भैया जी लिख लीजिए तो हिंदी में लिखो तो मेरे भाई हिंदी तो लिखने आता होगा आर एस क्यों ना अरे बता दो तो एक बार प्रीत दिए हो फिर ऐसे क्यों सर मारो कुछ महीने बाद अधिकारी के पद पे बैठेगा सेंटेंस तो लिख एक बार नहीं आए नहीं आए जब हिंदी लिखेगा तभी तो इंग्लिश लिखवाऊंगा चलो 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 बच्चों लिखो चंद्रयान थ्री की सफलता ने हमें गौरवान्वित किया है हो गया चलिए मैं एक बार विजिट कर रहा हूं सभी बच्चे एक बार बताएं ऑनलाइन फ्रेंड्स किरण जी मनीषा यादव जी और सभी अन्य फ्रेंड्स नमस्कार चलो लाइए इन्होंने कर दिया है नहीं? नहीं? आगे वाला क्यों काट दिया आप एक बार दो फिर ले लेना आप लोग अपना एनालिसिस के लिए दिखाओ भाई सौरभ अरे यार अभी तक बनाए नहीं तुमने चलो आपने बना दिया लाओ बना दिया हाँ सही जा रहा है बना दो सही जा रहा है लाओ इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं तो मैं बताने की कोशिश करूंगा और अगर नहीं होगा तो एक बेसिक क्लास और ज्वाइन कर लेना बेसिक क्लास अगर टाइम अलाउ करे तो जी कुछ लोगों की क्या होगी बहुत वीक होगी तो उनको चार से पांच एक बेसिक क्लास है उसको ज्वाइन कर लेना फिर उसके बाद पांच से छह छः से सात दे देना और कोई तुम्हारा चलो एक जनरल आइडिया चाहिए ना भाई मेरे को चलो और कोई और कोई और चलो अब जनरल आइडिया मेरे को मिल गया है क्या लिखे हो क्या लिखे हो आर प्रोवाइडेड क्या है वी आर वी आर प्रोवाइडेड चलो चलो अब बताता हूँ जनरली लोगों को भैया तुम्हारा भाई क्या बनाया हो देखें बहुत डर लग रहा है आपने भी यही बनाया है मेरे को बहुत डर लग रहा है कि गलत किया होगा थोड़ा सा मेडस होता है प्राउड बाकी सही है जनरली सही है देखो भाई यहां पर दो तीन कॉपियां ले लिया है मैंने लेकिन बाकी कॉपियों में आप लोगों को मैंने नहीं देखा आप लोगों ने ऐसे एक्शन क्या लिखा है बोलिए तीनों लोग बोलिए 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 आर एस बनने जा रहे हो पाँच छः महीने बाद ऐसे बैठोगे सिंहासन पे हेजिटेशन किस बात का चलो शाबाश एक मिनट इतनी आवाज़ जो है न, न, अब मेरे पास नहीं आ पा रही है तो लाइए वी हैज प्राउड चलो तुमने क्या लिखा है चंद्रयान इज चलो क्या लिखा है चंद्रयान सक्सेस हैज देखो आओ वो देखो क्या है कि आप लोग मेरे पास तीन महीने का समय दे रहे हो और इसमें मान लो इन लोगों का तो इसलिए सही हो गया कि ये लोग मतलब ये सेंटेंस पहले नहीं करा है कि इन्होंने छ महीने आठ महीने पहले करके गए थे तो इनका तो सही है एक लड़का उधर है उसका भी सही है और उस लड़के का सही है पहला ही देखा था तो उस लड़के का भी सही है वो लड़का आपका देख लिया था वापस दे दिया था क्या तीन ही तो है ये <laughs> Have, नहीं नहीं बस दो ही तो अच्छा एक और है क्या इसमें दो ही तो है आप एक बार बोलो तो अच्छा ऐसा बोला था एक और लड़का था एक और का चेक किया था क्या मैंने सक्सेस तुम्हारा दे दिया था ना एक और लड़के का सही नहीं ये तो गलत वाले हैं सारे ये सारे गलत वाले हैं और द सक्सेस ऑफ चंद्रन इज एक लड़के ने सही बनाया था इधर किसी की कॉपी चेक करके दिया है क्या मैंने देखो एक मिनट बच्चों चलो कोई बात नहीं देखो एक बार थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मेरे को देखो मेरे को आपसे जल्दी रहेगी ना कि जल्दी खत्म हो जिम्मेदारी बात ये नहीं है बात यह कि हमारा जो यज्ञ है जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा अब देखो यहां पर बच्चों देखो यहां पर सबसे पहले ना हिंदी और इंग्लिश दोनों का सब्जेक्ट तो फर्स्ट होता है एक साथ बाकी सब उल्टा होता है इसीलिए ट्रांसलेशन गलत करते हैं बच्चे बाकी सब क्या होता है उल्टा होता है तुम तुम्हारा तुमने तुम्हारा देख ही नहीं पाया मैं यार क्या बनाया हो बोलो हाँ तुम्हारा भी सही है ये लोग पहले से पढ़े इसलिए बना ले रहे ठीक है एक और लड़के का सही था तुम्हारा था क्या मेड प्राउड और एक और लड़के का था किसी ने सही किया था एक लड़का जिसको मैं जानता नहीं हूं लेकिन उसने सही किया था किसका था अब देखो चलो इस जी यहां पर किया है किया है आ रहा है ना कब किया पास में किया लेकिन है इसलिए आ रहा है कि पास्ट की घटना प्रेजेंट में प्रभाव डाल रही है तो पास्ट का एक्शन प्रेजेंट पे असर डालती है ना तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो यहां पकड़ते हैं पहले किया है किया है क्या किया है गौरवान्वित किया है गौरवान्वित किया है तो अब मैंने किया है कि इंग्लिश में देखूंगा तो पहले रुको गौरवान्वित किया है किसने किया है सब्जेक्ट ढूंढो तो सबसे पहले अंत में जाओ वर्ब वाला पार्ट यही है सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही होता है कि भाई इसमें टेंस क्या है ये मैं सब करा दूंगा घबराओ नहीं तो गौरवान्वित किया है गौरवान्वित किया है किसने किया है चंद्रयान तीन की सफलता ठीक है बच्चों अब देखो ये की प्रेपोजिशन है का की के के साथ के का की के बाद, के बाद पहले ये सब प्रेपोजिशन है अब अब ये ये के बाद ये क्या है अब देखना ये ऑब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है और हिंदी में प्रेपोजिशन के पहले वाला होता है अब इसको उल्टा कर दो बच्चों तो यहां पर गौरवान्वित किसने किया है चंद्रयान की सफलता यही है ना सब्जेक्ट भाग तो सब्जेक्ट भाग भाग में ये प्रेपोजिशन आ गया तो पलट दो तो क्या होगा द कई बच्चों ने द भी लगाया था ये बहुत अच्छी बात है द सक्सेस द सक्सेस अब उल्टा करना है द सक्सेस ऑफ चंद्रयान थ्री ऐसे हो जाएगा अब ये सब्जेक्ट लिख दिया हमने द सक्सेस ऑफ चंद्रयान थ्री अब गौरवान्वित किया है तो किया है कि इंग्लिश क्या होगी गौरवान्वित किया यानी गौरवान्वित तो अब हमें कैसा बना दिया अब यहां पर एक लड़का प्राउड और प्राइड लिखा था वो कौन था वो लड़का अच्छा तुम्हारा था ना तुमने यही तो लिखा था सिर्फ प्राउड और प्राइड का मामला था ना सही था तुम्हारा तो यहां पर हैज मेडस एक लड़के ने अब देखो यहां पर पहला यहीं पे ग्रामर अब आ गया कि प्राउड और प्राइड दो वर्ड होता है तो प्राइड का मतलब होता है गौरव और प्राउड का मतलब होता है गौरवान्वित चूंकि मुझे सुविधा आपको पढ़ाने में इसलिए कि आपका हिंदी पर भी पकड़ है थोड़ी तो गौरव नहीं वानमित। तो बच्चों प्राइड नाउन है गौरव और प्राउड एडजेक्टिव है वानमित। तो टी ओ ए डी यानी ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव तो मेड अस हैज मेड अस प्राउड कुछ लोगों ने मेड किया है तो मेड करने से अगर ये दो नंबर का होगा तो हैज मेड और मेड में अगर ये दो नंबर का है तो आधा नंबर कटेगा मेड पे लेकिन नंबर मिलेगा क्योंकि बाकी सब सही है या हो सकता है पॉइंट ही कटे ये टीचर पे डिपेंड करता है क्योंकि मेड में किया था और हैज मेड में किया है यानी पास का एक्शन दोनों ही है लेकिन एक में है आने का मतलब पास के एक्शन में वर्तमान में प्रभाव छोड़ा है इसीलिए श्रीन जी ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा हैज मेड तो पहले तो टेंस देखा गया फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्रम देखा गया तीसरा है ज्यादातर बच्चे प्राइड और प्राउड में गड़बड़ाएंगे तो हमने ये बता दिया कि प्राइड नाउन है गौरव और प्राउड एडजेक्टिव है में। इसमें मैं थोड़ा सा नाउन और एडजेक्टिव का भी बताना चाह रहा कौन क्योंकि जो क्वालिटी होती क्वालिटी जो है वर्ड का रिप्लाई देती है तो नाउन होती है और हाउ का रिप्लाई देती है तो एडजेक्टिव होती है तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है तो हमें कैसा बना दिया गौरवान्वित बना दिया तो मैं रोज का रोज आपको जो भी हिंदी के वर्ड होंगे उनका एग्जैक्ट जैसे ब्यूटी माने सुंदरता और ब्यूटी माने ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर उसी तरह प्राइड का मतलब गौरव और प्राउड का मतलब गौरवान क्योंकि आपकी हिंदी पे पकड़ है तो आप जल्दी इसको पकड़ लेंगे ठीक है एक तो ये हो गया तीसरी बात ज्यादातर लड़कों ने किया है अब वो देखो ज्यादातर लड़कों ने किया है वो देखो सक्सेस आप देखो अब देखो जरा ये लिखने से मैं ये नहीं कि आपकी गलतियां को हाईलाइट ये है कि ज्यादातर बच्चों में क्या सुधार करना है वो बताने के लिए मैं लिख रहा हूं सेंटेंस गलत है लेकिन लिख रहा हूं देखो चंद्रयान चंद्रयान सक्सेस ऑफ चंद्रयान ऐसे लिखा है तो ये तो सही लिखा है अब यहां द क्यों लगा ये आर्टिकल देख क्यों कि सक्सेस किसी पर्टिकुलर सक्सेस पर्टिकुलर बन रही है किस किसी पर्टिकुलर चीज की सक्सेस है तो ये पर्टिकुलर के लिए क्या गया द तो द सक्सेस द सक्सेस ऑफ चंद्रयान द सक्सेस ऑफ चंद्रयान ठीक है भाई मानो द अब ये लड़का क्या लिख रहा है इज प्राउडस अब देखो यही सब समझना है समझो बच्चों प्राउड एडजेक्टिव है और अस क्या है ऑब्जेक्ट है एडजेक्टिव का संबंध ऑब्जेक्ट से नहीं होता है वर्ब का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है यहां करने का सेंस डालना है प्राउड तो क्रिया एडजेक्टिव है इसमें क्रिया का भाव नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा एक तो ये लिखा एक दूसरे इसने ने लिखा वी हैव प्राइड अब देखना जरा एक लड़के ने लिखा वी हैव प्राइड सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है हम प्राइड रखते हैं अब यह प्रेजेंट सिंपल है ये ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है हम प्राइड रखते हैं यानी हमें गर्व का अनुभव होता है यह भावरा वी हैव प्राइड इन सक्सेस वी हैव प्राइड इन सक्सेस ऑफ वी हैव प्राइड इन द सक्सेस ऑफ चंद्रयान अब देखो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही हो गया है लेकिन इसकी भाव में और दिए गए सेंटेंस के भाव में थोड़ा फर्क है वहां पर कोई घटना के रूप में दिखाया गया है कि चंद्रयान तीन की सफलता ने हमें गर्वानित किया है एक घटना प्रधानता है उस वाक्य में और इसमें घटना की प्रधानता नहीं है ये बोल रहा है कि हम गर्वानित फील करते हैं हम गौरव का एहसास रखते हैं जैसे आई हैव अ कार मेरे पास एक कार है और आई हैव प्राइड मेरे पास प्राइड की फीलिंग है तो अब देखो यहाँ पर ये वर्ब है तो ये काम इन्होंने सही कर दिया कि प्राउड नहीं प्राइड लिख दिया ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है अब किसमें गौरव का अनुभव है चंद्रयान थ्री की सफलता में दोनों वाक्यों का भाव अलग अलग है ना लेकिन इन्होंने ये लिख दिया तो निश्चित रूप से अगर जेनरस होगा तो एक नंबर आधा नंबर जरूर देगा ठीक है लेकिन जो दिया गया भाव है वो नहीं है ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इसलिए अब एक लड़के ने वी आर प्राउडेड अब ज्यादातर लड़कों ने क्या किया है कि प्राउड को वर्ब के रूप में यूज कर दिया है जैसे वी इस लड़के ने वी आर प्राउडेड प्राउडेड लिख दिया ध्यान रखना कि प्राउड वर्ब नहीं है क्रिया नहीं है एडजेक्टिव है तो प्राउडेड कुछ भी नहीं है सेंस वी आर प्राउडेड टू सक्सेस चंद्रयान थ्री तो इसका कोई मतलब नहीं है चलो अपना अपना ले लो हाथ उठा दो ये मोटी वाली कॉपी किसकी है उधर बढ़ा दो उस लड़के को और ये दोनों किसकी है, है? सेंटेंस लेकिन सही था आपका चलो अब आ जाओ तुम्हारा कितना आ रहा है एप्री में पक्का चलो फ्री सेफ तेरा क्या बंदा है यार ये टेंशन मत लो अब चलो शुरू करते हैं सबसे पहले एक बार अगर आपका परमिशन हो जैसे इन लोगों को पहले बताया है इन लोगों को नाउन एडजेक्टिव वर्ब का थोड़ा सा क्योंकि लेकिन घर पे भी तो करोगे ना उसको घर पे भी करना कंप्यूटर जी जरा वैन ट्रैंगल निकालिए वैन ट्रैंगल निकाल एक बार टाइम दोगे कि क्या है कि लड़के देखने आते अरे देखना क्या है एक्सपीरियंस है इतने सालों का एक बार करो खुद ही आ जाएगा ये रिजल्ट नहीं है ये रिजल्ट नहीं इनको प्रैक्टिस कराया तो कर रहे हैं रिजल्ट है एक बार करना पड़ता है प्रैक्टिस करना पड़ता है अपने आप ही होगा एक बार थोड़ा सा आज मैं छोटी छोटी चीजें कई चीज़ें बता रहा हूँ ठीक है ना कल से फिर एक एक चीज को लेंगे क्योंकि थोड़ा आपको बताना पड़ेगा जो नए लोग हैं ज़्यादातर नए लोग ही हैं लेकिन थोड़ा सा भाई माइंड मत करना एक बार बता लेने दो ठीक है हाँ क्या है कि बच्चों देखो इसमें क्या है एक बार इनको वीडियो दिखाई देते हैं यार दिखा देना तो क्या है तीन मिनट का एक वीडियो दो मिनट का देख लो उससे क्या होगा तुम्हारा विचार बढ़ जाएगा तीन मिनट का एक वीडियो दो मिनट का देख लो फिर विचार बढ़ ये मत सोचना कि योगा की कोई क्लास या फिलोसफी बता रहा हूं इसमें क्या है कि साउंड है ओम क्या है, एक है और भाषा भी क्या है साउंड है तो ये ओम साउंड साउंड हर sound की जननी है मदर है इसी से सारी भाषा निकली है वही बता रहा है इसमें। अब ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि ये ओम से टीचर कैसे ग्रामर पे ले आएगा ये एक रोचक बात है तुमने देखा था कि नहीं इसको नहीं देखा था अरे यार तेरे साथ तो बहुत अन्याय करते आपने देखा था इसको अब ये देखना ये ग्रामर से कैसे जुड़ रहा है तुम लोगों को थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी समझ में आएंगी आ रेस के हो जब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी कुछ भी नहीं था सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं था तो उस समय भी ओम साउंड था इसीलिए हर मंत्र के प्रारंभ में ओम साउंड बोलते हैं ना ओम तो उस समय इससे सवाल किसने पूछा ओम साउंड से भगवान ने पूछा क्योंकि भगवान तो अजारामा है वो तो रहेगा ही रहेगा तो ओम साउंड से ईश्वर ने क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो तुम क्या हो अपना स्वरूप प्रकट करो तो देखो ओम साउंड कैसे रिप्लाई दे रहा है अब एक मिनट भाइयों जैसे आप अगर आंख बंद करें और मैं बोलूं पेन तो पेन एक शब्द भी है और पेन उसका स्वरूप भी है तो जैसे ही कोई साउंड पेन बोलूंगा आपके मन में उसका स्वरूप भी प्रकट होगा होगा ना उसी प्रकार ओम एक साउंड था सृष्टि के निर्माण से पहले अभी भी वो साउंड है लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुम क्या हो तुम कौन हो तो इसने अपना स्वरूप प्रकट किया और ये क्या बना नाउन तो यानी कि नाउन की परिभाषा इसके अनुसार क्या है कि हर वो चीज जो वाट या हु का रिप्लाई दे वो क्या है नाउन है इसमें यह दिखाया गया है लेकिन आगे जरा डेफिनेशन को व्यापक बनाने के लिए अब एक ही नाउन पूरे ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है और देवताओं को जो है और सुरक्षा की भावना आई कि एक ही नाउन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा तो हमारे लिए तो जगह ही नहीं मिलेगी फिर इन्होंने भगवान को बोला भगवान कुछ करिए तो भगवान ने नारद जी को बोला कि जाओ और कुछ करो जी ने बोला इससे पूछा नाउन से कि भाई जरा अपनी क्वालिटी दिखाओ अपने गुणों को दिखाओ तो गुण एक ही होता है कि अनगिनत होता है अनंत होता है अनंत होता है और बोला कि तुम क्या करते हो जरा अपनी कलाबाजी एक्शन भी दिखाओ अब उसी चक्कर में ये एक नाउन जो कि बहुत ताकतवर था क्या हो गया आगे देखो इससे क्वेश्चन पूछा देखो फैलता जा रहा है दैत्य की तरह अब इससे पूछा गया कि तुम कैसे हो यानी अपनी क्वालिटी बताओ तुम कैसे हो अपनी क्वालिटी बताओ और तुम क्या करते हो तुम क्या करते हो अपने एक्शन बताओ ये पूछा गया देखो हाउ यानी क्वालिटी बताओ कैसे हो और क्या करते हो अपने एक्शन बताओ How? आप एक मिनट रुको इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो व्हाट और हु का रिप्लाई देगा वो क्या है नाउन और कोई भी नाउन के लिए हाउ का क्वेश्चन पूछोगे तो उसकी क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव है और वो क्या कार्य कर रहा है इस कार्य को बताने के लिए वर्ब है जिस तरह इस ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ को जाओ तो मॉलिक्यूल में टूटेगा मॉलिक्यूल को और छोटा करो तो एटम में टूटेगा और एटम को और तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटेगा तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन्हीं से ब्रह्मांड बना है उसी तरह पूरी जो भाषा विज्ञान है दुनिया के संपूर्ण भाषाएं, नाउन एडजेक्टिव और वर्ब, वहां पर पार्टिकल है, तो है यहाँ पर तीन फंडामेंटल पार्ट्स हैं जो है नाउन एडजेक्टिव वर्ब लेकिन इसके अलावा पांच पार्ट्स और हैं, इन सब को मिलाकर क्या बना पार्ट्स ऑफ स्पीच तो भाषा का बीज इन्हीं से निकला है नाउन एडजेक्टिव और वर्ब से अब इसकी डेफिनेशन पे कंप्यूटर जी जरा यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन में क्या देखा आपने नाउन जो स्कूल में पढ़े थे पर्सन प्लेस एनिमल थिंग अब उसको और बृहद बना दो हर वो चीज जो व्हाट हु और हुम का रिप्लाई देगी वो क्या होगी नाउन होगी तो एक बार ये डेफिनेशन लिखिए एक बार ये लिख लो बेसिक चीजें ये परिभाषा नहीं आएगी लेकिन क्या है कि इससे आपको प्राइड और प्राउड की जो गलती की है ना उसमें सुधार होगा इसलिए लिखो नाउन की परिभाषा लिखो भाई जो वर्ड ब्रह्मांड के कोई भी वर्ड ब्रह्मांड का कोई वर्ड जो वर्ड व्हाट हु और हुम जो वर्ड वाट हु और हुम का रिप्लाई देते हैं वो नाउन होते हैं एक बार इसको बेसिक चीज लिख लो वे नाउन होते हैं वर्ड हु और हु का रिप्लाई देने वाले वर्ड नाउन होते हैं और एक है एडजेक्टिव अब मैं पूछना चाहता हूं ईश्वर जी कि जैसे प्राइड है प्राइड है तो अब मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या तो जवाब होगा तुम्हारा प्राइड तुम्हारा क्या प्राइड तो प्राइड क्या है नाउन है प्राइड नाउन है और इसकी हिंदी क्या होगी तुम्हारा गौरव ये नाउन है अब ईश्वें जी एडजेक्टिव पे आ जाते हैं ये क्या एक थोड़ी सी चीज चाहिए बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बार बार आपको याद हो जाएगा ये एडजेक्टिव ना नाउन वर्ब है एडजेक्टिव है इसलिए बहुत जरूरी नहीं तो आप परेशान होते रहोगे ये नाउन एडजेक्टिव वर्ब क्या होता है अब चलो एडजेक्टिव अभी वीडियो में आपने देखा था वीडियो में क्या देखा था कि किसी ये बताओ पहले नाउन की उत्पत्ति हुई या पहले एडजेक्टिव की उत्पत्ति हुई वीडियो के अनुसार तो पहले नाउन की कल्पना करिए किसी नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई देने वाला वर्ड क्या होगा एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए लिखो किसी नाउन के लिए किसी नाउन के लिए किसी नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई देने वाला वर्ड एडजेक्टिव है वर्ड एडजेक्टिव होता है किसी नाउन के लिए हाँ देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है ठीक है अब इस जी देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं तुम तुम क्या है एक पर्सन है नाउनी है प्रोनाउन अब मैं बोल रहा हूं तुम कैसे हो या तुम कैसा फील करते हो तो जवाब है मैं गौरवान्वित कैसा का जवाब तो प्राउड प्राउड का मतलब क्या होगा जी गौरवान्वित हाउ का रिप्लाई है ये एडजेक्टिव बन गया ये एडजेक्टिव बन गया तुम प्राउड हाउ का जवाब है हाउ का जवाब एडजेक्टिव है अब तीसरा है मेरे तीसरा है वर्ब वर्ब लिखिए प्लीज तीसरा है वर्ब किसी एक्शन का करना यानी डू डू या किसी एक्शन का होना या होना बी किसी एक्शन का करना या होना बी बताने के लिए बताने के लिए वर्ब का यूज होता है। वर्ब का का यूज यूज होता होता है, है, किसी एक्शन का करने और होना बताने के लिए वर्ब ठीक है तीन चीजें अभी जी कंप्यूटर जी जरा वैन ट्राइंगल पे ले आइए अभी आपको एक चीज दिखाया था देखो आप ये सब चीजें आपके काम आएंगी समझो आप जी देखिए ये अरे हाँ ये देखिए इसकी वाट तो वाट का रिप्लाई कौन दे रहा है ब्यूटी ब्यूटी क्या है नाउन इसकी हिंदी बताइए हिंदी बताइए इसकी क्या सुंदरता सुंदर नहीं सुंदरता अब देखना जरा यह कैसा है ब्यूटीफुल है एडजेक्ट अब हिंदी में क्या होगा सुंदर तो हिंदी का व्याकरण और इंग्लिश का व्याकरण भी सुधारो सुंदर और सुंदरता अब इसके क्रिया करना है क्या करता है करने का सेंस देना है तो ब्यूटी फाइव आप सभी स्टूडेंट भाई देखें कि यहां पर नाउन क्वालिटी वर्ड है ये तीनों गुणवाचक हैं गुण को बता रहे हैं लेकिन यहां पर गुण व्हाट का जवाब देकर नाउन बना है और यहां पर गुण हाउ का जवाब देकर एडजेक्टिव बना है और इस गुण में करने का भाव आकर ये वर्ब बन गया इसमें जो एफ यू एल है और यहां पर आई एफ वाई है इसमें फर्क समझिए ये नाउन था लेकर लेकर एडजेक्टिव बना बना और वर्ब सफिक्स कहते हैं यानी अंत में जुड़ करके ये नाउन एडजेक्टिव और वर्ब में बदल रहा है इसे क्या बोलते हैं सफिक्स बोलते आपको इनके सफिक्स एकदम याद रहने चाहिए क्योंकि तुरंत अब जैसे नाउन जान लिया तो हम सेंटेंस की रचना में हमें इसका फायदा क्या होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह किसका यूज होगा नाउन का और टेंस और मॉडल में किसका यूज होगा वर्ब का का और एडजेक्टिव यूज नाउन नाउन के के संग के संग बगल में एडजेक्टिव का यूज इस तरह ही आपका काम होने लगेगा एक और देखिए प्लीज एक और देखिए मेक यह बता रहा है कि मेक प्लस ब्यूटीफुल Make माने बनाना और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो ये देखो यानी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था इसमें बनाने का भाव आ गया तो ये क्या बन गया वर्ब बन गया आई एफ वाई वर्ब बन गया करने बनाने का भाव है आगे देखो तो ब्यूटीफाई वर्ब है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ब्यूटी क्या है न इसी चक्र का इस्तेमाल होगा यहां कभी ब्यूटी का यूज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह और वर्ब के जगह यूज करेंगे ब्यूटीफाई और उसकी विशेषता बताना है किसी नाउन के साथ यूज करना है तो ब्यूटी फुल फिर देखो एक और देखो इसकी वर्ड प्योरिटी या कैसा है प्योर ये क्या करता है प्योरीफाई यानी कि हमें सबसे ज्यादा किसका यूज करना होता है वर्ब का तो वर्ब यानी टेंस और मॉडल तो वहां पर इसको वर्ब में बदल दिया क्या बन गया आई एफ वाई वर्ब बन गया तो वर्ब के सफिक्स भी मैं आज आपको पढ़ा दूं जिससे ट्रांसलेशन में मजा आएगा अब वही बता रहा है कि प्योर एडजेक्टिव है बनाने का सेंस इसमें डाल दिया तो अब ये बदल जाएगा देखो इसमें ये बता रहा है कि प्योर में बनाने का सेंस तो प्यूरीफाई अब ये वर्ब बन गया अब ये वर्ब बन गया तो वही आपको प्योरिटी प्योर और प्यूरी ये ये गलती से ये प्यूरीफाई है ये प्यूरीफाई है वर्ब अब क्या करना है कि जब भी कोई गुणवाचक शब्द आएगा उसका तीनों अक्सर बनता है अक्सर उसका तीनों बनता है ये ध्यान रखना है एक सेंटेंस दे रहा हूं जरा फिर चलो ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हमारे हेल्थ को प्रभावित करती हैं अभी मैं ग्रामर में आऊंगा टेंस में आऊंगा लेकिन एक बार थोड़ा समझिए ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हमारी सेहत को हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है इसको ट्रांसलेट करो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी सेहत को प्रभावित चलो कमान शब चलो बनाओ 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 गलत होने का कोई मतलब नहीं है सिर्फ आप बना के अपना दिखाओ फिर मैं उसके अनुसार प्लान बनाऊंगा मैं टेस्ट कर रहा हूं चेक कर रहा हूं इसमें यह नहीं है कि आपका कोई परीक्षा हो रहा है बना दिया लाओ। आ रहा हूं आ रहा हूं बहुत अच्छा बहुत अच्छा एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल सही है एब्सोल्युटली करेक्ट अच्छा पैसि बनाया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सबका सही बता दो, थोड़ा बता दू चलो ले, आओ, ले, आओ, ले, आओ। ले आओ भाई ये क्या लिखी हो इसमें ये क्या है ऑफ है करेक्ट समझ में आ गई गलती क्या गलत है नंबर कट जाएगा आधा नंबर कम से कम कटेगा देखो लाओ लो लो लाओ हूं अब देखो ईशान भाइयों इस सेंटेंस में सर आई डेंट सी योर्स आप बता दो मैंने देखा नहीं आप बताओ आर लगा दिया ना यहां पर प्रभावित करती है या करती है इजन जी प्रभावित करना क्रिया चाहिए हमें अब देखिए यहीं पे वो खेल पैदा करूंगा और हर सेंटेंस में आपको देखो इफेक्ट है इफेक्ट है और एक अफेक्ट है और एक इफेक्टिव है एक लड़के ने इफेक्टिव भी लिखा है इजन जी इफेक्टिव एडजेक्टिव होता है अभी लिखवा दूंगा वो और इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट वर्ब होता है क्रिया की जगह वर्ब चाहिए अफेक्ट चाहिए अब इसकी हिंदी है तुम्हारी वॉट इफेक्ट प्रभाव तुम क्या करते हो प्रभावित करना और यह है प्रभावकारी या असरदार प्रभावकारी या असरदार एडजेक्टिव है ये अब यहां पर सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है तायती है प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इस प्रभावित कौन करता है बोलो ग्रीन हाउस गैसेस तो ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस अब यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस में एस लगाओ सब्जेक्ट हमारा क्या है प्लुरल अब यहां पर अफेक्ट में एस लगा दोगे तो ये वैसे ही हो गया मैं इनको नारा लगवाया था पानी बचाओ एस बचाओ पानी बचाओ एस बचाओ से घबरा मत जाना ये क्या करा रहे हैं यानी कि जब यहां पर प्लुरलिटी आ गई तो फिर यहां से एस हटता है इसी को बोलता हूं पानी बचा, एस बचाओ यानी यहाँ प्लूरल आ गया यहाँ एस आ गया तो यहाँ एस नहीं आया अब ये लड़का समझदार है लेकिन ऑफ लिख दिया है ऑफ आर हेल्थ लिख दिया है यहां पर ध्यान रखना स्टूडेंट भाइयों कि अफेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है जो वर्ब अपने बाद व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछता है अफेक्ट व्हाट का क्वेश्चन पूछ दिया बीच में बिना किसी प्रेपोजिशन की सहायता के प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं लगेगा अफेक्ट व्हाट और हेल्थ ये लड़का ऑफ लिख दिया तो यहाँ ऑफ नहीं लगेगा प्रेपोजिशन नहीं लगेगा अफेक्ट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है जैसे पापा जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है छोटे बच्चे की तरह होता है बोलो करता है। जैसे पापा अकाउंट का पैसा करते है, वैसे ये वर्ब अपने एक्शन को ट्रांसफर करता है किसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो अगर ये एक्शन इस पर ट्रांसफर हो रहा है तो ये वाट का क्वेश्चन पूछेगा कि पापा पैसा ट्रांसफर करने से पहले आपका अकाउंट पूछते हैं अर्थात

पॉइंट फोर फाइव नंबर तक कट सकता है पॉइंट थ्री से पॉइंट फोर पॉइंट फाइव से पॉइंट फोर फाइव तक ऐसा कटेगा टॉम पॉइंट ऐसे आगे बढ़ जाए चलिए नहीं पैसे में भी मिलेगा नंबर मैं होऊंगा तो नंबर दे दूंगा कि हमारे हेल्थ को ग्रीन हाउस गैसेस से हमारी सेहत प्रभावित होती है आपकी जो भावना थी वो ये थी कि ग्रीन हाउस गैसेस से हमारी सेहत प्रभावित होती है तो आवर सेहत आवर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय ग्रीन हाउस गैसेस सेंटेंस एकदम सही था तो मैं होता तो कंप्लीट नंबर देता लेकिन देने वाला कहेगा कि सेंटेंस जो हिंदी में दिया है उसका भाव एक्टिव है तो आपने उसको पैसिव में क्यों लिखा तो हो सकता 0.25 काट भी ले लेकिन सेंटेंस एकदम सही था आपका लेकिन बेवजह पैसिव बनाने की आवश्यकता नहीं थी जो टोन था एक्टिव का टोन था ग्रीन हाउस गैसेस करती है कौन करता है ग्रीन हाउस गैसेस करती है। अगर ऐसे होता हमारी सेहत प्रभावित होती है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा तब इसको पैसिव। लेकिन नंबर मिलेगा आपको अच्छा खासा थोड़ा बहुत कट कट जाए जाए तो कर ये के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए आप यह सतर्क रहे कि जो वर्ब की जो वॉइस है अगर हिंदी में एक्टिव दिया है तो आप एक्टिव रखिए अगर हिंदी में पैसिव दिया है तो उसको पैसिव रखिए वॉइस को सेम रखिए वॉइस का मतलब एक्टिव या पैसिव की भावना को वॉइस बोलते बता दूंगा बता दूंगा थोड़ा सा क्या है कि आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और घर पे भी जैसे यहाँ जो बच्चे ये एसएससी सी वाले तो उनको तो यही कराना पड़ता है घर पे करते ही नहीं है आप लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ के आए हो बहुत ज्यादा पढ़ के हो तो आपको बस यहाँ कुछ एक्सरसाइज करा दू तो तीन चार एक्सरसाइज उसको घर पे ही करना है ठीक है ना मैं आए? देखो बेसिक से देखो दो चीजें हैं मैं बेसिक से भी तैयार हूं अगर बेसिक से कराऊंगा तो उसमें छह सात महीने लग जाएगा ठीक है ना तो तुम्हें क्या करना है कि तुम ये चार से पांच वाले में भी बैठ जाना डबल हो जाएगा चार से पाँच नीचे क्लास में उसमें भी बैठ जाना ठीक है और इसमें भी बैठ डबल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं हम जैसे ये बच्चे हैं कुछ एकदम बेसिक वाले हैं ये कुछ लड़के बेसिक वाले हैं तो चार से पांच में भी बैठो नीचे घिसाई और ऊपर भी बैठो ठीक है ना अब क्या है कि बहुत बेसिक में कराने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा टाइम लग जाता है इनको छह सात महीने पढ़ाया है तब जाकर इनकी तैयारी हुई है वैसे तो ही लेकिन मैं जो है ना आपको तीन महीने में भी क्योंकि डबल ले रहा हूं ना तो तीन महीने आपकी कमी नहीं रहने दूंगा बस उसमें है कि घर से कुछ करके आना पड़ेगा बस जैसे एक्सरसाइज का पैटर्न बता दिया अब यहाँ पर एक एक एक्सरसाइज यही करवाना पड़ता अरे जब उसका पैटर्न पता है तो मैं घर ही कर लूंगा फटफट फटफट यहाँ बैठ बैठने की क्या जरूरत है ये कहने का भाव है बस अब मैं आपको थोड़ा टेबल दिखा रहा हूं कंप्यूटर जी जरा टेबल देखो क्या करना है सारा टेंस मॉडल याद हो जाएगा तुम्हें वॉइस भी याद हो जाएगी उसकी कुछ दिनों का है अब जब जब ये बोल देना कि भैया कि थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है तो स्लो कर दूंगा क्योंकि हमें एक बार आपकी गति के साथ क्या बैठाना पड़ेगा तालमेल ये मत मेरे को जज कर देना बहुत फास्ट पढ़ा रहा है या बहुत स्लो हमें आता है बच्चों के अनुसार एडजस्ट होना तो आपको दो तीन दिन में हमें पता चल जाएगा कि आपकी क्या है स्पीड मेरे को रखना चलो तो इसमें क्या है मैं एक बार देखो ऐसे तुम्हें टेबल देखो देखो क्या है? देखो एक पहले टेंस डालिए टेंस टेंस टेंस, टेंस मॉडल इसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समस्या नहीं है समस्या किसकी है क्रिया की कि कौन सा टेंस और कौन सा मॉडल एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस वो समस्या है इसकी समस्या कुछ ही दिन में दूर हो जाएगी टेंस तुम ऐसे थियरी में जो पढ़ोगे जैसे स्कूल में पढ़े थे या मैं भी अगर सिर्फ टेंस पढ़ाऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है भूल जाओगे लेकिन ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा अब जैसे देखो फेल किया था अब रुक जाओ टीचर ने मुझे फेल किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने हटा लिया है क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपने मन से कुछ भी रख ही सकते हैं असली समस्या क्या है फेल किया था को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे और एक है फेल कर दिया है जो आप लोगों ने फेल किया था कब किया था पास्ट में और घटना पास्ट, पास्ट, तो पास्ट की है और इसका प्रभाव भी पास्ट का है लेकिन यहां पर यह घटना पास्ट की है लेकिन इसका प्रभाव कहां आ गया प्रेजेंट में आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है फेल्ड और ये पास सिंपल है ये क्या है फेल्ड एक लड़का कह रहा हेड फेल्ड हेड फेल्ड मत यूज करो क्योंकि उसका मतलब है फेल कर चुका था वो एक अलग चीज हो जाएगा वो पास परफेक्ट तब यूज होता है जब कोई पास सिंपल हमारे सामने दिया हो और उस पास सिंपल से भी पीछे ले जाना हो सिर्फ तब पास परफेक्ट यूज करना बेवजह पास परफेक्ट मत यूज करना कैंसिल किया था बोलो क्या होगा इसी पैटर्न में बोलो कैंसल्ड हेड कैंसल्ड मत कर देना कैंसल्ड पास सिंपल हो गया और कैंसिल कर दिया है यानी पास का एक्शन है है का मतलब वर्तमान में प्रभाव डाल रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो है अब ये करते ही तुम्हारा काम बन जाएगा कुछ दिनों की बात है इतना थियोरी में ले ही नहीं जा रहा हूं फटाफट टेबल करो टेबल पटवाऊ चलो टेबल दो भी है इनको टेबल दो दो टेबल दो खड़ा टेबल लो फटाफट -भड़। इसको करो ये आगे चलो फिर बोलो रिजेक्ट किया था रिजेक्टेड अरे इधर देखो रिजेक्ट किया था रिजेक्टेड और रिजेक्ट कर दिया है रिजेक्टेड अटैक 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 किया था कर दिया है हैज अटैक अब कभी कभी क्या होगा कि था और है को नहीं लिखते हैं हिंदी में फिर कैसे पता चलेगा तो पूरे सेंटेंस की भावना देखना है कि ये पास जैसे चंद्रयान ने चंद्रयान की सफलता ने हमें गर्वान्वित कर दिया तो कर दिया का मतलब कर दिया है का भाव आ रहा है या था का भाव आ रहा है ऐसा देख गर्वान्वित किया है कोई ऐतिहासिक घटना होती है तो उसका प्रभाव अभी भी है उसका प्रभाव अभी भी फील हो रहा है क्योंकि ऐतिहासिक घटना है तो कर दिया है का भावना होगा और अगर टाइम डाल दे कि तेईस अगस्त को चंद्रयान थ्री की सफलता ने हमें अब तेईस अगस्त पास की घटना है तो फिर अब क्या होगा किया था किया था हो जाएगा अब देखना जरा अनाउंस किया था कि इंग्लिश अब यहां पर एक लड़का वाज लगा रहा है देखो यही सब गलत है अगर वाज लगा दोगे इस भाइयों अगर वाज लगा दोगे तो ये पैसिव बन जाएगा इसका मतलब है किसी के द्वारा अनाउंस किया गया था पैसे गलत हो जाएगा इसलिए कह रहे हैं कि वर्ब की भावना को पकड़ना है भाइयों फिर चलो अनाउंस कर दिया है अनाउंस इसी में आपका टाइम बचाऊंगा मैं टेबल करो अपने आप सेंस बिल्ड हो जाएगा अब इसको पढ़ाने में दो दिन लेता हूं मैं लेकिन उतनी जरूरत नहीं है आपको जब ये बार बार करोगे तो टेबल भी हो जाएगा और टेंस भी क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो भाई नहीं हाँ या ना बोलो क्योंकि हमारे पास पचास तरीके होते हैं लेकिन आप अगर मेरे प्रति ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आप अपने प्रति भी ऑनेस्ट नहीं रहोगे आपको बता दो आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं है चलो फटाफट लिखो इसको इसको पांच मिनट दे रहा हूं फट से लिख जाओ फिर एक और सीट मिलेगी तुरंत कंटिन्यूस वाली लिखो फटाफट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान करते हुए लिखो लिखित है लिखित भैया जी आपको बताया तो, तो जहां था लगे ना वहां सेकंड फॉर्म लगाओ और या है ई है लगो हैज के साथ वर्ब की थर्ड लगाओ भैया जी देखो यहां एक बार और देख लो असिस्ट किया था तो क्या होगा असिस्टेड और असिस्ट अटैच कर दिया हैज है लगाओ हैज अटैच मैं ही मान करके हैज लगा रहा हूं आई और यू के साथ है फिर देखो अटैच किया था अरे देखो था तो समझते ही हो गए था क्या होता है पास तो पास सिंपल बनाओ क्या हो जाएगा अटैच और अटैच कर दिया है अरे है आ गया ना तो हैज प्लस वर्ब की तो हैज अटैच कर दो ज अटैच यह तुम्हारे ट्रांसलेशन की क्या है बेस है आधार भूमि है चलो फिर डाइवर्ट किया था डाइवर्टेड वाज मत लगाना और डाइवर्ट कर सेंड कर दिया है सेंट और सेंड किया था वाज मत लगाना सेंट सेकेंड फॉर्म सेंट सेंट हो गया ना फर्ट से क्लियर हो जाएगा चलो एक्सपोर्ट कर दिया है अरे कर दिया या है ये यानी कर चुका है तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो एज एक्सपोर्टेड और एक्सपोर्ट किया था एक्सपोर्टेड हेड मत लगाना नहीं तो कर चुका था हो जाएगा किया था देखो ये है तुम्हारे आर की असली ट्रेनिंग एम टी कर दिया है आप तो बोल के कर दो या है ये है तो क्या जाएगा हैज एम टी भी होती है एम टीड हैज एम टीड और एम टी था एम टीड ऐसे कर जाओ बस देखते जाओ एकदम जड़ पे जहां पे जड़ पे जहां पे तुम्हारी जड़ कमजोर है उस पे काम है फिर देखो बेंड कर दिया है अब बेंड का थर्ड फॉर्म टी बेंट और बेंड किया था सिर्फ बेंट वाज मत लगाना देखो वाज मत लगाना हेड मत लगाना वाज लगाने से किसी के द्वारा का भाव पैसे हो जाएगा और हेड लगा दोगे तो, तो कर चुका था पास्ट परफेक्ट हो जाएगा सिंपल रखो एक्टिव क्रिएट कर दिया है एज क्रिएटेड और क्रिएट किया था क्रिएटेड सिंपल और वाज मत लगाना हेड मत लगाना ये ध्यान रखना डैमेज कर दिया है इस इस हालत में डैमेज कर दिया डैमेज किया था डैमेज वाज से बचना हेड से बचना अरे बोलो बच्चों नंबर कट जाएगा वाज और हेड से बचो वाज और हेड से बचो कंफर्म कर दिया है, हैज कंफर्म। आप लोग की धारणा की क्षमता ज्यादा है ना ज्यादा आप लोग का दिमाग तेज है तो आप जल्दी कर सकते हो आपके दिमाग में गहराई भी ज्यादा है चलो कन्फर्म किया था आवाज से बचो हेड से बचो सिर्फ क्या आएगा कन्फर्म लो अलॉट कर दिया है, अलॉटेड लो अलॉट किया था अलॉटेड कवर कर दिया है एच कवर्ड और कवर किया था कवर्ड बर्ष कर दिया है अब रुक जाओ एक मिनट आपको जो ये फाउंडेशन किताब मिली है पीछे 45 42 नंबर पेज पर जाना वहां पर वर्ब के फॉर्म याद ही याद करो वर्ब फॉर्म 45 वगैरह पे दिया होगा वर्ब के फॉर्म दिए होंगे काफी दो तीन पेजों पे अगर मैं पेज नंबर गलत बता रहा हूं तो थोड़ा देख लेना पे वर्ब के फॉर्म अब बर्श का पेज नंबर है 42, 43, 44 तक इसको याद रखना इसमें जी अब यहां पर देखो ये वर्ब के फॉर्म तो बर्फ के तीनों फॉर्म ना अब देखो नंबर कट जाएगा हैज के बाद वर्ब थर्ड आता है ना बर्थ स्टेटमेंट करना क्योंकि ये तीनों फॉर्म सेम है यही नंबर कटता है एक तो वर्ब के फॉर्म याद कर लो सही से बर्स्ट किया था वाज मत लगाना सिर्फ क्या होगा बर्स्ट, सिर्फ क्या होगा बर्स्ट, इसके तीनों फॉर्म सेम है तीनों फॉर्म सेम है बर्स्ट ही होता है डोनेट कर दिया है, हैज डोनेटेड और डोनेट किया था सिर्फ डोनेटेड लिखो सिर्फ डोनेटेड डोनेट कर दी एन कर दिया है, हैज एनलार्ज एनलार्ज किया था वाज से बचना हेड से बचना और एनरोल कर दिया है, हैज एनरोल क्लियर है अब ये निकालो कंप्यूटर जी लिख लो लिख लो इसको फटाफट एक और सीट देखो ये मत सोच रहा कि हडब हड़बड़ रो रहा है एक बार बेसिक देख लो एक बार दो एक और सीट दो इसकी प्रैक्टिस होगी काफी घर के लिए भी दिया जाएगा कर लो एक बार तुरंत तुरंत तुम्हें जड़ में तुरंत फायदा होगा एक बार करके देखो पीछे वाले भाइयों को भी दीजिए यह आपके ट्रांसलेशन की क्या है जड़ है लेकिन एक बार कर लो खुद याद हो जाएगा ऐसे और सीट दे दूंगा घर के लिए प्रॉब्लम होगी तो देखो मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ थियरी एक्सप्लेन करने में क्यों कि जैसा ही लिखोगे भाव समझ में आ जाएगा इसका चलो कमिटर जी निकालो हाँ उनको दे दे उनको दे दो पाँच से छह की भी जो है लिखवाया भी जाएगा लेटर वगैरह तो आप लोग लेटर वगैरह लिखना चालू करो लेटर एस से वगैरह लेकिन एस वाली गलती करके बहुत भारी जो है भूल के था पानी बचाओ एस बचाओ अब देखना मजा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहां पर मेरे साथ करना है इसको सो रहा है टाइम सोचो प्रेजेंट में अभी टाइम सोचो प्रेजेंट में अभी यानी इस समय एक्शन चल रहा है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी इज मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका समय बचाने के लिए हटा दिया है टेबल बना दिया है सौ दो सौ लिखोगे तो नहीं याद हो जाएगा क्या अब सो रहा था टाइम सोचो पास्ट में नाउ नहीं देन नाउ का पास्ट क्या होता है देन यानी पास्ट में कभी और पास्ट में ये एक्शन चल रहा था तो बोलो क्या हो जाएगा वाज स्लीपिंग अब ये देखो जरा सोता रहा है यानी सोता रहा है का मतलब सोता आ रहा है अजमेर से आ रहा है या जोधपुर से आ रहा है पास्ट से अरे पागल पास्ट से आ रहा है जयपुर आ रहा है या प्रेजेंट में आ रहा है पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा है कंप्यूटर जी जरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक बार वीडियो दिखाइए अभी देखना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी देखो जितने इतने साल पढ़े थे फिर से हो जाएगा क्लियर फिर वॉइस है ये टेबल्स है जो तुम दो महीने में नहीं सीखते थे चार पांच दिन में हो जाएगा ये सारा के। थोड़ा सा आप टाइम देना पड़ेगा शुरू में ये प्रेजेंट से पास्ट में आया ये वाला नहीं कंटिन्यूस वाला चलाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चलाओ कंप्यूटर जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिखाओ क्योंकि मैं टाइम बचा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्योंकि ये बंदा जोधपुर से आ रहा है अब देखना पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था में चल रहा था पास में कोई एक्शन चल रहा था मान लो कल चार बजे चल रहा था अब देखो अरे ये कहां आ रहा है जोधपुर से आ रहा है या पास से आ रहा है जयपुर आ रहा है या प्रेजेंट में आ रहा है यानी पास से एक्शन चलते चलते प्रेजेंट में आ जाए और अभी भी चल रहा है तो वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अब देखना देख जैसे ही प्रेजेंट प्रेजेंट में आएगा परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है जो पास से चलते हुए प्रेजेंट में भी जारी है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और जरा कंप्यूटर से जरा इनको प्रेजेंट परफेक्ट भी दिखा दीजिए हर टेंस का तो बनाया हुआ है कि दिखाने में विजुअलाइजेशन के लिए लेकिन उसमें मैं इतना टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप ऐसे ही लिख करके हो जाएगा आपका सीधे वो वाला चलाइए प्रेजेंट परफेक्ट वो वाला चलाइए हटाइए। दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट पास सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट कहां है पास सिंपल प्रेजेंट ये अभी जो सीट कराई थी पास सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट थी अब देखिए ये गया था वेंट का मतलब गया था पास सिंपल रुक जाइए श्रिंजित रुक जाइए टाइम ही टेंस बनाता है यस्टरडे बीता हुआ कल है या आने वाला कल है बीता तो बीता हुआ कल के साथ क्या आ गया वेंट आ गया बीता हुआ कल के साथ वेंट आ गया अब ये देखो राम कल दिल अब देखना कल वो दिल्ली क्या था अब आज आ जाओ वर्तमान में आ जाओ आज वो क्लास में क्या है एबसेंट है आज क्लास में वो क्या है एबसेंट है तो आज वो एबसेंट क्यों है कल की वो मैं बोल रहा हूं कि आज राम एबसेंट क्यों है तो आप क्या बोलोगे क्योंकि वह दिल्ली आरएस अधिकारी हो आरएस अधिकारी बन के बोलो आज राम क्लास में अनुपस्थित है क्योंकि वह दिल्ली दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। गया हुआ है या गया है या है ये पास का एक्शन प्रेजेंट की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है यही प्रेजेंट परफेक्ट है अब यहां पर है देखो पास का एक्शन अरे देखो तो पास की जो घटना थी वो प्रेजेंट की एबसेंट होने का कारण बता रही है तो जब पास की घटना प्रेजेंट में कारण या समाचार बनती है या प्रभाव बताती है तो वही पास की घटना प्रेजेंट परफेक्ट बन जाती है अब यस्टरडे यही छूट जाएगा और वेंट क्या बन जाएगा हैज गॉन बन जाए तो हैज गॉन का मतलब गया है या गया हुआ है या जा चुका है और वेंट का मतलब गया था तो इस फिल्म पर जो सीट थी अभी करवाई और इसके पहले वाली जो फिल्म थी उसकी सीट अभी दी गई है चलिए कंप्यूटर जी निकालिए विजुलाइज करना है इसको तो कम टाइम में आपका काम हो जाएगा तो बोलो सोता रहा है का मतलब पहले से अभी पहले से तो देखो पास से ये एक्शन प्रेजेंट में ये भी आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट जब भी पास का एक्शन प्रेजेंट में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट और अभी भी चल रहा है तो कंटिन्यूस तो दो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस तो क्या हो जाएगा बोलो हैजो एक बार फिर से बोलो आप फोकस करता रहा है इसी तरह पहले से पहले से फोकस करता आ रहा है ना तो क्या हो जाएगा बीन फोकसिंग फोकस कर रहा है अभी अभी तो क्या हो जाएगा अरे अभी आ रहा है तो क्या होगा इज फोकसिंग फोकसिंग और फोकस कर रहा था पास्ट में तो क्या हो जाएगा बोलो वाज फोकसिंग और फोकस करता रहा है इन फोकसिंग फिर चलो फिर चलो हिट कर रहा है अरे रहा रही और प्रेजेंट में तो इज हिटिंग हिट कर रहा था वाज हिटिंग हिट करता रहा हैजिन है हिटिंग ग्रो कर रहा है इज ग्रोइंग ग्रो कर रहा था वाज ग्रोइंग ग्रो करता रहा है हेज बीन ग्रोइंग यानी पहले से लेकर अभी तक फिर चलो ग्लो माने चमकना तुम्हारा चेहरा ग्लो कर रहा है इज ग्लोइंग ग्लो कर ग्लो कर रहा था वाज ग्लोइंग ग्लो करता रहा है हैज बीन ग्लोइंग फील कर रहा है इज फीलिंग फील कर रहा था वाज फीलिंग फील करता रहा है हैज बीन फीलिंग बचा क्या सारे टेंस हो गए बचा क्या सारे टेंस हो गए सीधे ट्रांसलेशन की स्थिति में ला रहे हैं अब वॉइस वाली करा दूंगा बचेगा क्या बस प्रैक्टिस फिर चलो तो कम समय में इंसिस्ट करता रहा है इंसिस्ट करता रहा है अरे हैज यानी पहले से अब एक लड़का कह रहा फॉरसिन तो लगा ही नहीं अरे लगाओ ना ही ऑन दिस फॉर थ्री लगाओ फॉरसिंस जब पूरा वाक्य बनेगा तो फॉरसिन लगेगा वाक्य पूरा नहीं है ना सिर्फ टाइम देखना है चलो इंसिस्ट कर रहा था था थी थे रहा रही रहे वाज इंसिस्टिंग इरिटेट कर रहा है इज इरिटेटिंग इरिटेट करता रहा है हैज बीन इरिटेटिंग इरिटेट कर रहा था वाज इरिटेटिंग मर्ज कर रहा है इज मर्जिंग मर्ज करता रहा है हैज बीन मर्जिंग मर्ज कर रहा था वाज मर्जिंग नरेट कर रहा था वाज तो तो नरेटिंग नरेट का मतलब किसी घटना का वृतांत बत सुनाना वृतांत सुनाना नरेट करता रहा है हैज बीन नरेटिंग नरेट कर रहा है इज नरेटिंग किक कर रहा है इज किकिंग किक करता रहा है हैज बीन किकिंग किक कर रहा था वाज किकिंग इंपोज माने थोपना इंपोज कर रहा है इज इंपोज करता रहा है हैज बीन इंपोजिंग इंपोज कर रहा था एक मिनट अब पिछली सीट पे पिछली पे चलो पिछली पे अब देखना ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस प्रेजेंट अब पिछली सीट देखो फिर बताओ फेल किया था पास सिंपल फेल्ड वाज मत लगाना हेड मत लगाना फेल कर दिया है हैज फेल्ड कैंसिल किया था कैंसिल्ड कैंसिल Cancel कर दिया है हैज कैंसिल रिजेक्ट किया था रिजेक्टेड रिजेक्ट Reject कर दिया है हैज रिजेक्ट अटैक किया था अटैक अटैक कर दिया है हैज अटैक अनाउंस किया था अनाउंस अनाउंस कर दिया है हैज अनाउंस असिस्ट किया था असिस्टेड अटैच कर दिया है हैज अटैच तो इसमें कैसे फर्क जानोगे टाइम देगा पास का टाइम के साथ इसको यूज करेंगे और यहाँ पर पास का टाइम नहीं रहेगा पास की घटना प्रेजेंट की वर्तमान में आएगी तो यहाँ पास का टाइम नहीं रहेगा तो पास सिंपल ही प्रेजेंट परफेक्ट होता है जैसे एक सिक्का का दो पहलू होता है हेड और टेल हेड और टेल दोनों क्या हैं एक ही रुपए को बताते हैं लेकिन दो पहलू हैं दोनों घटना पास्ट की है लेकिन एक घटना पास्ट की है और पास्ट के टाइम के साथ वहीं समाप्त लेकिन एक घटना है पास्ट में हुई लेकिन प्रेजेंट का कारण बता रही है या प्रेजेंट का न्यूज बन रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर अब इसी तरह वॉइस की भी बात है तो आपको सीट कंप्यूटर जी सीट दे दो इनको सीट दे दो हम्म hmm? बोलो अरे बोलो ना कुछ कह रहे हो हाँ बोलो बोलो एक साथ ज्यादा हो गई क्या कह रहे हो हाँ इनको सीट दे दो चार कर... दो करके हाँ टेंस वाली टेंस वाली सीट दो चार दो घर ये आ रहे इनको तो भूख लगी है खाने दो इनको जो आदमी रोज़ दस घंटे आठ घंटे पढ़ के आया है फ्री में से निकल के आया है उसको दो तो दो तो, तो कर जाएगा सारा इनको समझाने से समझ में नहीं आएगा लिखोगे अपने आप आ जाएगा फिर उसके बाद ट्रांसलेशन में अपने आप देखोगे इस रिफ्लेक्ट होगा कल वॉइस पे काम करूंगा किस पे कल वॉइस पे काम होगा फिर इन्फिनेटिव जिराइन पार्टिसिपल पे काम होगा दो तीन दिन अभी ट्रांसलेशन पे रुकना है तो ये कोई उनको किसी को बुला दीजिए मैडम को काम चलता रहा इनका मेरे को तो अगले क्लास में जाना है भैया ये प्रैक्टिस चलेगी प्रैक्टिस के लिए किसी को बुला रहा हूं यही चलती रहेगी हाँ बोलो या कल बोला कल से बुलाए हिंदी वाले सर आए हैं दीपक सर ठीक है ठीक है बुला लीजिए तो ऐसा है बच्चों कल कितने बजे मिलोगे कितने बजे कल अभी तीन ही बजे आओ कल अभी तीन लेकिन सीट छोड़ना नहीं सीट लेकर आना है पूरा करके कर आना है आप खुद देखो एक हफ्ते टाइम दो देखो क्या होता है आपका एक हफ्ते टाइम देकर देखो खुद देखो एक हफ्ते हाँ बोलो अभी हिंदी वाले सर आ रहे एक बार उनसे भी बात कर लो श्री से, या श्री हमारे दीपक सर हैं हमारे से जुड़े हुए हैं कई वर्षों से दीपक सर से दीपक सर आपका स्वागत है प्लीज आइए पधारे आइए सर आ जाए सर आ जाए स्वागत के साथ अभी आप सबका स्वागत स्वागत तो हो चुका होगा देखो ये जो अंग्रेजी और हिंदी है ना ये निर्णायक है आपके लिए और हिंदी जो है ये माँ की तरह है अभी मौसी की चर्चा हो रही थी मौसी हेल्प करे नहीं करे नहीं कह सकते कर भी सकती है कई बार माँ से ज़्यादा होती है मौसी तो मौसी के लिए ज़्यादा प्रयास करने होते हैं माँ के लिए ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है पर यह है कि लक्षण हमारे ठीक होने चाहिए नहीं तो मां नाराज हो जाती है है ना तो मैं आज टू पॉइंट बात पे आता हूँ हिंदी में जहाँ हम गलती कर रहे हैं नंबर वन ध्यान दीजिएगा हम लोग हिंदी भाषी हैं हम सोचते हैं कि हिंदी हमें आती है तो जहाँ हम गलती कर रहे हैं उस पर मैं फोकस करूंगा कहाँ गलती हो रही है क्यों हमारे नंबर एक में से अंग्रेजी का दस नंबर हटा दो कितना बचा हिंदी एक सौ दस में से सौ क्यों नहीं आते हैं ऐसा क्या है ये ये बहुत क्लिष्ट बात है ना बहुत वैसी बात है ना। एक सौ दस में से सौ भी क्यों नहीं आते हैं? और दूसरी चर्चा ये करूंगा मैं आप गलती कहाँ करते हैं दूसरी चर्चा ये है कि नंबर कहाँ मिस होता है कहाँ गलती होती है ठीक है ना और तीसरा जैसा मैंने शुरू में कहा आपको सतर्क होना है बस अपनी माँ के लिए मातृभाषा हमारी है, है राजभाषा भी है और मातृभाषा भी है यदि हम सजग नहीं होंगे तो माँ नाराज़ भी हो जाती है कई बार बहुतों की माएँ तो हमेशा के लिए नाराज हो गई हैं वैसे कम होती हैं माता माता कुमाता न भवती माएँ कुमाता नहीं होती हैं तो ये जो हमारी ये जो मैंने मानवीकरण किया हिंदी का तो क्योंकि हिंदी से आपका इमोशनल लगाव हो और व्यावहारिक दृष्टि अपना के आप चलोगे तो आप आराम से हिंदी वाले चीज को ले सकते हो आप ऐसे कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं ठीक है जब हम लोग फोर्थ पेपर की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का को कोई मतलब नहीं रहता है कुछ भी नहीं आपको जितनी हिंदी आती है उतनी ही इंग्लिश आनी चाहिए ये लक्ष्य रखोगे ना कई बार ऐसा भी होता है आपने यदि टारगेट रख रखा हो कि मैं इस कैटेगरी से हूँ मेरे इतने नंबर आ जाए हो जाएगा ये बहुत ही घटिया दृष्टिकोण है ऐसा नहीं आपको ऐसा सोच के चलना है कि मुझे अधिकतम अंक मुझे प्राप्त हों तो मैं आपकी सहायता के लिए हूँ कि कैसे अधिकतम अंक प्राप्त हों तो तीन बात है एक तो आपका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि यार हो क्यों रहा है ऐसा कि हम हिंदी में 110 में से 100 नंबर नहीं ला पा रहे हैं और दूसरा मैं बताऊंगा कहाँ गलतियां हो रही हैं और तीसरा मैं बताऊंगा कैसे नंबर लाने हैं ठीक है थीके? क्या क्या बोला मैंने पहला क्या है और दूसरा और तीसरा इस पे ज्यादा हमारा सिलेबस तो आपको पता ही है फिर भी अपन डिस्कस कर लेंगे है ना अच्छा अब इसमें क्या होता है अपने जो सिलेबस है वो दो प्रकार का है एक तो है व्याकरण से संबद्ध है एक तो है ना और दूसरा जो है विस्तृत उत्तरात्मक है विस्तृत उत्तरात्मक आपका अगला है आपको पता ही है दस नंबर वाला ट्रांसलेशन आप डाल दो अंग्रेजी में तो कितना बचा ये पचास का है पचास का पचास और यहाँ पे कितना है ये सत्तर की बजाय कितने का है साठ का है ये आप विश्वास मानो यदि आपने साथ दिया ना, तो आपके नंबर यहाँ पे 45 और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो नंबर यदि यहाँ वाला ठीक है क्योंकि अब तो ऐसी ऐसी व्यवस्था हो गई है जब व्याकरण वाला पोर्शन अलग प्रोफेसर चेक करेगा फिर आपकी कॉपी का हिस्सा निकाल के डिस्क्रिप्टिव का लेटर वाला पोर्शन कोई अलग करेगा पल्लवन का देख रेख कोई अलग करेगा ऐसा कर दिया है इसलिए तुलनात्मक तो नहीं हो पाता है फिर भी एक तरह से देखा जाए ये जो व्यवस्था की गई पिछली बार की गई थी अब जब जब ये मेम्बर्स चेंज होते हैं अध्यक्ष चेंज होते हैं प्रक्रिया देखा इस बार पांच पांच कॉलम बन गए है ना जो आपने नहीं किया है उसके बारे में लिखने के लिए कहा तो कुछ कुछ हो सकता है तो मेरा ये कहना है यदि आपका ये हो गया पैंता इसमें हम ला सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इसमें नब्बे परसेंट नंबर नहीं लाओ इसमें बिल्कुल नंबर लाया जा सकता है कैसे लाएंगे भी बताऊँगा मैं और इस वाले में हम ज़्यादा नहीं हम ज्यादा नहीं यदि हमारी पद्धति चलोगे आप तो आराम से पैंतीस नंबर लाए जा सकते हैं तो 45 और 35 कितने हो गए सात एक आठ अस्सी अंक लाए जा सकते हैं तो अस्सी अंक में ले आते हो अब उधर कितना ध्यान रखना सामान्य नंबर साठ सत्तर आते हैं ज्यादा मत होना अस्सी आ जाएंगे अभी सामान्य अंक कितने आते हैं दोनों मिला के कितने आ रहे हैं आप में से कई लोग अनुभवी होंगे धुरंधरों के भी नंबर आ रहे हैं सत्तर अस्सी पचहत्तर अस्सी बस इस तरह के आ दोनों मिला के अभी तो पूरा अस्सी नंबर उधर बाकी है नब्बे नंबर इंग्लिश वाला तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से हमें अपने स्टेप बाय स्टेप चलना है मैंने बताया हम गलती कहाँ कर रहे हैं नंबर वन और हम कहाँ से अंक हासिल करेंगे हिंदी के तो इसमें तो इसमें तो क्या भरपूर परिश्रम करना होगा अब जैसे ग्रामर पे आते हैं हम लोग क्या करते हैं माध्यमिक किताबें माध्यमिक कक्षा किताबें उठा ली हिमालय देवालय सीख लिया हम सोचते हैं कि हम बस जानकार हो गए होशियार हो गए ऐसा नहीं है अब जैसे आपके पाठ्यक्रम में संधि है प्रत्यय है उपसर्ग है बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं देखना मैं मैं प्रत्यय लेता हूं इनकी टेंडेंसी क्या है आरपीएससी की वो लोग किसी भी एक टॉपिक को लेते हैं ना उसमें से एक तो पूछते हैं सरल प्रकृति का कैसा पूछते हैं वो सरल प्रकृति का देवालय हिमालय वगैरह एक पूछते हैं थोड़ा सा क्लिष्ट कठिन थोड़ा सा और एक पूछा जाता है अपवाद कई बार लोग आठ पूछ लेते हैं कई बार छह पूछते हैं तो आप देखेंगे ये जो दो जो आएगा आपका सरल आएगा दो आपका क्लिष्ट आएगा एक या दो ये दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है और एक या दो जो है वो कैसा होगा अपवाद होगा तो होता क्या है ये वाला हम कर लेते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न कौन कौन से हैं जैसे आप देखिए देवालय है ना हिमालय या फिर इसी तरह के शब्द जो सहज सरल माने जाते हैं अच्छा दूसरे प्रकार का जैसे मैं क्लिष्ट कह रहा हूँ जैसे देखिए हमारे पास शब्द है राजेंद्र है ना हमारे पास दूसरा शब्द है फणिंद्र तो आप देखोगे ये जो राजेंद्र फणिंद्र है इसको मैं क्लिष्ट कह रहा हूं क्योंकि आप इसमें घोटाला करने वाले हो घोटाला नहीं भी करोगे ना तो आप टाइम लेने वाले हो यदि आपने पहले पढ़ा हो तो आप निश्चिंत रहना मैं हर चीज को एक बार अभी विश्लेषणात्मक ढंग से हम चीजों को रख रहे हैं आपके सामने किसी को कुछ आता हो तो एक बार आप मान लो कि आपको संधि सामान्य आती है है ना सब ने छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं हर क्लास में संधियाँ रही हैं सब लोग जानते हैं तो संधि की बात कर रहा हूँ मैं प्रत्यय भी नहीं ले रहा हूँ देखिए देवालय राजेंद्र फणिंद्र, यहाँ मैं लेता हूँ थोड़ा सा क्लिष्ट ले लेता हूँ क्लिष्ट का अपवाद ले लेता हूँ अपराह्न ये देखो अपराह्न या फिर मैं लेता हूँ स्वयरेणी ठीक है ना तो मैं बताना चाह रहा था कि नंबर कहां कटते हैं नंबर यहां कटते हैं कैसे ये तो बता दो हिमालय सब सब बताना आता है आपको लेकिन इस वाले में आप जो विच्छेद करेंगे एक तो करेंगे राजधन इंद्र दूसरा कर सकते हैं राजा धन इंद्र तीसरा कर सकते हैं राजधन इंद्र चौथा कर सकते हैं आप राजन धन इंद्र देखना कंफ्यूजिंग है कि नहीं ये बताओ आप में से कौन है जो एकदम पक्के तौर पे कह सकता सर लाख रुपए की शर्त लगा लो ये वाला सही है कौन सा वाला सही फोर्थ वाला, वाला।, वाला, वाला।, वाला और अब लाख फोर्थ वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला और कोई अपवाद नहीं है ये साधारण संधि है ये दो वाला तो ये देखो मत मतान दूसरा देख रहा हूं मैं तो राज कुछ लोग इसे कह रहे हैं कुछ लोग इसको कह रहे हैं कुछ लोग इसको भी कह रहे हैं राजधानी इंद्र को भी कह रहे हैं अब मैं आपको मैं अपनी बात रख रहा हूं आपको कंफ्यूज करता हूं देखना राजा शब्द होता है कि नहीं होता है राजा और आगे इंद्र है और आ और ई मिलके ए होता है तो दो नंबर सही होना चाहिए मैं सबके पीछे तर्क दूंगा दो नंबर सही होना चाहिए सही अब सही लग रहा है ना मेरी व्याख्या के बाद अच्छा ये तो देखो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्योंकि राज नाम का को कोई शब्द होता नहीं है राजन शब्द होता है संस्कृत में और हमने सारी हमारा जो स्रोत भाषा है ना जहां से हमने सारी जानकारी ली है सभी की वो कहाँ से ली है संस्कृत से ली है इसलिए स्रोत भाषा के रूप में कोई से भी कह सकता है और आपको आश्चर्य होगा कि आपके ये सारे गलत हैं ये, है, ये गलत है ये गलत है ये गलत है और ये सही है अब यहाँ पे प्रश्न ये इसको मैं क्या कह रहा था क्लिष्ट कह रहा था तो यदि आपको ये बात कन्फर्म देखो वैसे याद हो जाना और चलते चलते तो अलग बात है उसके पीछे का रीजन बताना वो सॉलिड बात है तो इसके पीछे रीज़न है वो ये है अब देखिए सुनो नियम पूरी संधि में ये बातें लागू होती हैं कौन सी जब भी कोई संधि युक्त शब्द होता है जब वो टूटता है तो वो ओरिजिनल रूप में लिखा जाता है और हिंदी के नियम के अनुसार लिखा जाता है हम जब भी घर जाएंगे तो घर में हम अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे शर्ट उतार देंगे बनियान पे आ जाएंगे है ना पैंट उतार के पैजामा पहन लेंगे या तोले लपेट लेंगे ये हमारा ओरिजिनल रूप है है ना ऐसी फर्श पे बैठ सकते हैं तो ओरिजिनल रूप जो होता है वो ओरिजिनल होता है जब भी ये संधि विच्छेद होगा तब ये ओरिजिनल फॉर्म में लिखे जाएंगे इतनी बात हमेशा ध्यान रखनी है यदि ये बात आपको याद आ हो रह गई तो आगे बहुत सारे शब्द आपके थे तो हम नंबर कहाँ मात खाते हैं यहाँ मात खाते हैं क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन रहता है ये साथी ने जो बताया है इसके बारे में बता सकते हो आप ऐसा क्यों है ये तो इसके बारे में आप स्पष्टीकरण देखो आप जैसा मैंने बताया ये आया हुआ है कहाँ से संस्कृत संस्कृत में राजन शब्द होता है समझना आप संस्कृत में मूल शब्द क्या होता है राजन होता है और जब ये किसी से जुड़ने जाता है तो इस नौका लोप हो जाता है नलोपह प्राधि विदिक सूत्र है उनका तो नौका लोप हो जाता है इसके बाद राज के साथ कोई भी शब्द जुड़ता है तो राजेंद्र बनता है ये कंसेप्ट है इसके पीछे इसलिए यह वाला सही होगा तीनों गलत होंगे ऐसे फणिंद्र में आ जाओ आप तो फणिंद्र का भी मैं यदि चार रूप दूं आपके सामने जैसे देखिए एक शब्द है फणिंद एक शब्द है फणी एक शब्द है फणी और एक शब्द है फण और आगे जो है ना इंद्र इंद्र जोड़ देते हम इसके आगे आगे तो यहाँ जो शुद्ध रूप होगा वो फणिन होगा फणि होगा फणिधन इंद्र होगा दीर्घ होंगे फण इंद्र बनेगा तो खैर ऐसी चीजों की चर्चा यहाँ पे आती है क्योंकि हम इसको कंसेप्चुअल वे में नहीं सीखते हैं अभी ऐसा दो ही नहीं है इसमें पंद्रह बीस पच्चीस है उसकी चर्चा हो जाएगी हम सीट देंगे अब सारी सीट को कर लोगे मैं चेक कर दूंगा तो समस्या खत्म और देखो होता यह है पूरे प्रकरण में आधा आधा नंबर एक एक नंबर आपका घटता जाता है घटता पचास क्वेश्चन है कितने नंबर घट गए पच्चीस नंबर घट गए आपने किया ही सौ में से पचहत्तर में से किया ऐसे नंबर नुकसान हो जाता है हमें दिखता नहीं है तो जिनको इन बातों का एहसास हो जाए देखो माइन्यूटली चलना होगा बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को लेना होगा तो आप देखना इन सारी चीज़ों को ठीक से यदि कर लिया तो हमारा संधि वाला नियम पकड़ अच्छा ये सौ दो और सवा सौ शब्द नहीं हैं शब्द बहुत सारे हैं तो शब्द लाखों की संख्या में हैं लेकिन ध्यान रखना वो लाखों में से ध्यान देना लाखों में से पंचानवे हजार छियानवे हजार सतानवे हजार अट्ठानवे हजार निन्यानवे हजार जो शब्द हैं वो एक नियम से सोल्व हो जाएगा ये ध्यान रखना और थोड़े से ऐसे हैं जिसमें नए नियम लगेंगे और अपवाद पता है कितना है संधि में अपवाद केवल और केवल सत्रह अपवाद है यानी एक लाख में से निन्यानवे हजार नौ सौ जो है ना वो तो है आपका एक नियम से बनने वाला बाकी का जो दस बीस है वो विशेष है और सत्रह कैसे हैं अपवाद वाले हैं तो इसको सीख लेने के बाद हमारा ये भी नंबर आ गया ये भी हो गया और ये गई तो नियमों से ज्यादातर शब्द हो जाते हैं परीक्षक जो है ना आर का प्रश्न पत्र बना रहा है तो वैसे पत्र नहीं बनाएगा आप सारा क्योंकि सबके आगे डेढ़ सौ नंबर तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि क्या करना है ये पॉलिसी रहती है इस तरह से प्रश्न बनाया जाता है तो अपराह्न पे आइए आप देखिए अपराह को चूंकि अपवाद है ये तो इसमें अपवाद होने की वजह से दूसरे पेज पे आ रहा हूं है ना अपवाद होने की वजह से ये देखो अपर धन या देखिए अपर धन नंबर एक दूसरा ले रहा हूं मैं अपर धन अहन तीसरा अपर धन अहन अपर धन अन तो यहाँ भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है और इसमें देखा जाए अपवाद ही नहीं है ये बहुत टेढ़ा प्रयोग है ये इसमें वास्तव में एक दो तीन तीन नियम लग रहे हैं इसमें इसमें तीन तीन नियम लग रहे हैं जब आप ज्वाइनिंग दोगे ना जब ज्वाइनिंग करोगे तो पूर्वान्न में ज्वाइनिंग करते हो अपराह्न में नहीं पूर्वान्ह में तो देखो तीन तीन नियम क्या है अ मिलके दीर्घ होता है तो पहला नियम क्या है इसमें दीर्घ हो रहा है नंबर एक नंबर दो अच्छा इसमें जो शुद्ध रूप है वो ये वाला है तो दो दीर्घ हो रहे हैं इसके बाद जो है ये जो हलंत है ना हलंत ये हलंत शिफ्ट होता है मेरे हाथ को देखो आप जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हलंत अंदर की तरफ आता है यानी हॉ पे आ जाएगा और जब ये टूटते हैं तो हलंत बाहर वाले अक्षर पे आ जाता है जुड़ने में हलंत कहाँ जाता है अंदर की तरफ ये अपवाद कितने बताए थे मैंने सत्रह एक अपवाद आपका समाधान हो रहा है जितने भी अहंत से संबद्ध सारे शब्द हैं सब आप कर पाओगे और कॉन्फिडेंटली कर पाओगे जब ऐसे जुड़ते हैं शब्द तो हलंत आता है अंदर की तरफ जब शब्द टूटते हैं तो हलन जाता है बाहर की तरफ तो इस नियम से हमने क्या किया हलंत को कहां डाला शब्द क्या था शब्द था अपराण देखा तो हमने क्या किया जब तोड़ा हमने तो इसको किया बाहर की तरफ नौ पे फिर आपको कहां से हो गया तो ये जो है ना हलंत का हलंत का शिफ्टिंग हमें ध्यान रखना है और जो तीसरा नियम है यहाँ पे वो ये है री र स पहले रहता है ध्यान देना री र स यदि शब्द में पहले रहेगा तो इसके बाद आने वाला जो नौ है वो क्या बनेगा नौ बनेगा तो तीन नियम लग के ये शब्द बन रहा है तो इसीलिए अपराह्न का विच्छेद होगा अपर धन अहन पहला नियम दीर्घ हो रहा है सिंपल है ये साधारण है दूसरे में हलंत का शिफ्टिंग बता दिया हमने अंदर आना बाहर जाना और तीसरा नियम री रस पहले होता है रीर कौन सा है रॉ है ये रॉ है रॉ के बाद देखो ये न आ रहा है जो न आया था न पूरा हो गया था उस न को न हो गया इस तरह से सामान्य फिर इसके बाद क्लिष्ट और इसके बाद अपवाद तो ये चीज़ें हैं यदि हम इसको पहचान गए समझ गए तो आपके नंबर में कोई कटौती नहीं होगी सर कुछ ठीक है अच्छा तो एक तो हमने ये पकड़ा कि भाई कैसे अपने नंबर कटते हैं आप लापरवाही से इनको करते चले जाते हैं ये नंबर हमारे मिस हो जाते हैं जैसे मैंने बताया अपवाद जो मैंने बताया सत्रह साल तक परीक्षक पूछता रहेगा और हर बार आपका गलत होता रहेगा तो सत्रह साल तक आप एग्जाम देते रहेंगे क्या एक साल में सारा अपवाद सीखो जानो और कुछ भी प्रश्न पूछो सबका करो आप क्लिष्ट वाले जिसकी बात की मैंने कोई क्लिष्ट लिष्ट नहीं है वो कंसेप्ट की बात है और वो आपके जहन की बात है आपके संस्कृति की बात है थोड़ा सीखो ठीक से आ जाएगा यही कारण है एक सौ दो दो सौ में से दो सौ नंबर नहीं आते लोगों के उसके अनुरूप काम ही नहीं करते हैं माँ का सम्मान नहीं होता है तो माँ पूरे नंबर नहीं देती है ऐसे प्रत्यय पे आते देखो आप प्रत्यय तो ये नंबर आपके नुकसानदायक है अच्छा कटते कैसे हैं थोक भाव नहीं कट रहे हैं एक एक नंबर एक एक नंबर एक आप सोचते एक ही नंबर तो है पता है कई बच्चे सोचते अरे यार संधि चार नंबर की कौन माथा खोड़ी करेगा ये लो संधि चार नंबर की है फिर तैसा तो बोलो ना ये जो ये जो मलेरिया का जो जीवाणु है ना छोटा सा है क्या करना उसको है उसको छोड़ यार पता चला अपन इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा मर जाएंगे डेंगू का वायरस जो भी है या कोरोना का वायरस अरे ये छोटा सा है क्या है देख लेंगे नहीं ऐसा नहीं देखना है उसको बिल्कुल विधिवत तरीके से उसका इलाज करना है ताकि आप पूरे के पूरे अंक आप लाभ प्राप्त कर सको ऐसे प्रत्यय में देखोगे आप ये देखो प्रत्यय कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो आप झट से पहचान जाओगे ये देखो सज्जनता आप कहोगे कि साहब सज्जनता में एक तो सज्जन शब्द है दूसरा क्या है ता प्रत्यय है लेकिन आपसे पूछेंगे जिज्ञासा जिज्ञासा का प्रयोग हम करते हैं कि नहीं करते हिंदी भाषा में अब ये कैसा है इसको क्लिष्ट कह लो या अपवाद कह लो ये टेढ़ा है इसमें कुछ भी करोगे गलत जाओगे आप इवन कोई संस्कृत का बच्चा बैठा हो ना जिसने शास्त्री पास कर रखा हो क्योंकि हमारे टकराते रहते हैं कभी कोई बीटेक टकराता है कोई साइंस संस्कृत वाला टकराता है कोई हिंदी एम टकराता है सब टकराते रहते हैं तो जिज्ञासा में दिक्कत होगी क्योंकि ये कहां से स्रोत भाषा के रूप में आया हुआ है ये जिज्ञासा में कुछ भी करोगे गलत जाएगा देखिए जैसे जी इसका उत्तर ले रहे हैं जी यहां ले लेते हैं हम जिज्ञासा को ये देखिए एक तो लिया हमने जी धन ज्ञासा दूसरा ले रहे हैं जी ग्या और सा तीसरा लेंगे हम जी यहां लगेगा जिज्ञ धन आशा चौथा लेंगे हम धन सा तो जिज्ञासा के बारे में आप देखेंगे जो हमारा प्रकृति प्रत्यय का सिद्धांत है वो यहां बैठ नहीं रहा है ऐसा नहीं कि चाहे जा ये बताओ ये जो दीवाल बनी हुई है ना ये वाली अब ये छोटी ईंट से बनी है कि पत्थर से बना है जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इसको ठीक से तोड़ पाएंगे क्या हमें पता होना चाहिए कि इसमें छोटा वाला है या बड़ा वाली ईंट है हर शब्द के बारे में आपको बोध होना चाहिए कि कौन सा शब्द किससे बना हुआ है कैसे बना हुआ है तो इसके लिए भी हमारे पास प्लानिंग है और सच्चाई तो ये है कि आपको नए सिरे से हिंदी के जल में स्नान करना है पकड़ तो पकड़ के सब गोता लगवाऊंगा तो धीरे 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 आप जानकार हो जाओगे अभी जो भी आपका ज्ञान है ना, वो 25-30 परसेंट लाने लायक है 25 परसेंट नंबर कितना हुआ 100 में से 120 में से तो उस अनुपात में नंबर आ रहे हैं अभी हम लोगों के और हमें लाना है कितना 70 प्लस लाना है ओवरऑल ग्रामर वाले में तो लाना है हमें कितना 90 परसेंट और डिस्क्रिप्टिव वाले में लाना है सत्तर परसेंट तब जाके बात बनेगी और कई बार तो ऐसा होता है हमारे पढ़ाने के बाद कई बार ऐसा होता है बच्चे अंग्रेजी तो खैर वैसे भी टेढ़ी है ही है ना उसमें तो प्रैक्टिस चाहिए भाई बहुत लेकिन हिंदी आपके जहन में है आप हिंदी में थोड़ा सा प्रयास करके इसे ला सक मतलब पहले ही कह दिया मैंने माँ की भूमिका मा है ये भूमिका में है आप इसको प्लीज़ देखें तो हमारे पास जो बीस पच्चीस साल का अध्ययन है ना कैसे बच्चे को नंबर दिलाना है शॉर्टकट भी हमारे पास है वो सब हम कर सकेंगे बस आपको आपको समर्पित होना है आप भाग्यशाली हो जो यहाँ जुड़ रहे हो आप क्योंकि सर तो भाई रे अंग्रेजी का जो भी है तुम पता ही है तुमको है ना मेरे को तो डर अंग्रेजी से ही लगता है क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम वाले कैसे क्या होगा ऐसा लगता है हिंदी में तो थोड़ा सा क्या हम निश्चिंत हो जाते हैं चलो यार हिंदी में आ गए और थोड़ा 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 करके सारा करा सकते हैं आप देख रहे इसमें से कौन सा सही होगा देखो नाम का एक धातु है ज्ञान अवबोधने उससे प्रत्यय होता है तो जिज्ञासा बनता है ये कैसे बनता है अपनी क्लास में अच्छा इसके अच्छा ये क्या है वन वर्ड में भी आएगा जानने की इच्छा क्या होता है जिज्ञासा आप रटते आ रहे थे अब इसके एक्चुअल इसके अवयवों को ठीक से जान पाओगे तो ज्ञान ऐसे संस्कृत में व्याकरण में पाणिनि के बनाए हुए करीब चार हजार धातु हैं उसमें से पचास एक धातु का बहुत ज़्यादा प्रयोग हिंदी में है तो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ पचास एक धातु जो है ना उसको सीख लो सारे शब्द बनने लग जाते हैं हिंदी में सारे धातुओं का नकल नहीं है ये गनीमत है चार हज़ार में से मुश्किल से पचास साठ धातु तैयार कर लो आप शानदार नंबर आपके आएंगे और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है कहीं नहीं मिलेगी आपको क्योंकि इतना टेढ़ापन और इतनी क्लिष्ट चीज़ों को कोई लेता नहीं है लेता इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज होता है इसलिए हमारे जो साक्षात क्लास है जो इसे क्या ऑफलाइन क्लास कहते हैं इसमें मैं मैटर दूंगा आपसे याद कर मुझे कुछ नहीं करना देखो छक्का आपको मारना है चौका आपको मारना है मुझे मारना है क्या हम केवल टेक्निक बताएंगे देखो भाई ऐसे करोगे तो ऐसा होगा ऐसे करोगे तो ऐसा होगा हमारी इतनी भूमिका है और ये ध्यान रखना हम कोई साल दो साल से नहीं बैठे हैं हम तकरीबन तीस एक साल से यही सोच रहे हैं कि कैसे हमारा पट्टा जो है टॉप कर जाए कैसे टॉप कर जाए अब हमारी क्या इच्छा रह सकती है तुम लोग जो हो ना हमारे सारस्वत संतान हो एक तो जैविक संतान होती है और दूसरा होता है सारस्वत यानी सरस्वती के संबंध से संतान या भाई बहन हो आप तो हम चाहते हैं कि हम हमसे जुड़े हुए बच्चे टॉप करें तो हम कोई कोताही नहीं रोकने वाले हैं है ना और संख्या भी अपनी ठीक है सौ सवा सौ दो सौ बच्चे भी हो जाएंगे ना आराम से मुझे दिक्कत आती है मैं सर वो स्प्रिंग बोर्ड में था तो वो ढाई सौ तीन सौ बच्चे थमा दिए मेरे को तो मेरी आदत है कम बैच में पढ़ाने का तो वो बात जमी नहीं फिर हम जा नहीं पाए तो यहाँ जो है छोटा बैच होगा और इसमें चाहिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत आपकी सबको मैं काम दूंगा फिर आप चेक करोगे अच्छा आ, समय है सर पाँच मिनट और है ना है अच्छा, जी हाँ पांच मिनट ही है तो, तो दूसरा डिस्क्रिप्टिव पे आता हूं मैं है ना देखो सब ये तो हो तो जाता है बहुत जल्दी पूरा प्रैक्टिस वाले सेशन को हम ज्यादा चलाते हैं तो ये जो हमने व्यवस्था कर रखी है ना उसका टेस्ट सीरीज का उसमें आप आओगे एक बार आप सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है मैंने बताया ना तो आ जाए अच्छा एक फिर आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पे डिस्क्रिप्टिव वाला जो विस्तृत उत्तरात्मक है उसमें क्या करना है हमें मैं बता देता हूँ कमी क्या है उसमें कमी यह है कि जब हम लिखते हैं ना एक पेज तो एक पेज में एक बच्चा औसत तीस से पैंतीस गलती करता है कितना करता है तीस से पैंतीस तुम्हें विश्वास नहीं हो ना तो अगली बार जब मैं क्लास लूंगा देख लें लिखवा के देखूंगा मैं और तीस से पैंतीस करता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दस बारह करते हैं पाँच करते हैं अब इसको घटा के कहाँ पे लाना है दो तीन पे लाना है जो ज़्यादा गलतियां कर रहा है वो बाहर जा रहा है जो कम गलतियां कर रहा है उसके अंक ज़्यादा मिल रहे हैं गलतियां करते हो क्योंकि आपके एक एक वाक्य को चेक करने की ज़रूरत है देखने की जरूरत है यदि आपने सही से लिख दिया और ये कब तक चलेगा तब तक चलेगा जब तक, चलेगा जब तक शुद्ध नहीं लिखोगे अच्छा खाली शुद्धता केवल पल्लवन में है क्या नहीं पल्लवन में भी है संक्षेपण में भी है निबंध में भी है पत्र में भी है सब जगह शुद्धता ही शुद्धता है सब जगह शुद्ध लिखना है तो सच्चाई तो यह है आपके पंद्रह साल की तुम्हारी उम्र ऐसे ही होगी लगभग पंद्रह सोलह साल की जो पढ़ाई है ना उसके अंतर्गत जो नहीं पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं हम्म जो हमारी पढ़ाई जब आप सावचेत मन से पढ़ना शुरू किया आपने वो पंद्रह सोलह साल हो गए तो हिंदी सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है कौन सा वाला अशुद्ध वाला अभी मैं फिर बाद में चर्चा करूंगा अभी शब्द शुद्धि देता ना तो आप तो दस में से नौ अशुद्ध लिखते और यूं और कहते सर ये तो मैंने वहां ऐसा देखा है वहां ऐसा देखा है ऐसे और कहते आप क्यों कि आपका संस्कार बोलता है तो मेरी कोशिश होगी कि विगत वर्षों के तमाम जो अशुद्धियां हैं उसको बाहर करें शुद्ध का जब वो करवाएं प्रैक्टिस कराएं तब जाके अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे ठीक है ना तो यही हमारा संदेश है और हम्म क्लास में सब व्यवस्था जो लोग हैं ना बता देंगे आपको कैसे क्या है उस सारा ऑफिस में पता कर सकते हो है ना तो ये था चलिए ये अपनी बात में यहाँ समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद